और मुंबई लगातार मैच हारते जा रही है, तो इसके लिए भरोसा है कि पंजाब जीते। लक बाय चांस कह सकते हैं, बट मुंबई बहुत स्ट्रांग टीम है और आज उनको ही जीतना चाहिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, हर दिन कोई बात नहीं, आज रोहित शर्मा मारेंगे। ऐसा लगता है कि आज के मैच में जो प्लेयर नहीं चले मुंबई के वो चल सकते। IPL में आज मैच है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। ये मैच खेला जाएगा पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली स्टेडियम में। इस मैच में दोनों ही टीम टक्कर की है, जहां एक टीम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 6 की है तो दूसरी है 7th की। 6th पे पंजाब है तो वहीं 7th पे मुंबई है। बता दें ये आज दोनों का इस सीजन में दूसरा मैच होगा कि दूसरी बार दोनों टीम आमने सामने होंगी। इससे पहले पंजाब और मुंबई जब आमने सामने हुई थी तो पंजाब ने मैच जीत लिया था मुंबई के होम ग्राउंड पर। देखना ये होगा कि ये वाला मैच इस बार मुंबई अपने नाम करेगी पंजाब के होम ग्राउंड पर या फिर पंजाब वापस से जीत जाएगी। ये जानने के लिए क्या फैंस आज मुंबई को सपोर्ट करेंगे या फिर पंजाब को, हम आ गए हैं इंडिया गेट पर फैंस से उनकी राय लेने। तो आज मैच है पंजाब के बीच में और मुंबई इंडियंस का मैच होने वाला है पंजाब के होम ग्राउंड पे। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? पंजाब। पंजाब पे भरोसा है, फेवरेट टीम है या फिर बस मुंबई के कंपैरिजन में पंजाब जीत जाएगी? कंपैरिजन में। कौन सा फेवरेट प्लेयर है पंजाब का? सैम करन अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनका मतलब उनका बैटिंग स्टाइल अभी बहुत अच्छा है, और शिखर धवन भी अभी मतलब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो अभी रिकवर हुए उनका वो हुआ था, तो मेरे को लगता है पंजाब जीतेगी क्योंकि पंजाब में मतलब बहुत अच्छा पॉइंट्स कमाया अभी उसमें IPL में, और मुंबई लगातार मैच हारते जा रही है तो इसके लिए भरोसा है कि पंजाब जीतेगी। बट अभी लास्ट वाला मैच मुंबई जीत चुकी थी तो पता है मुंबई जीत चुकी थी, बट पंजाब जिस अभी लय में खेल रहा है तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है पंजाब जीतेगा। दूसरी साइड में मुंबई के भी इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, सूर्य कुमार यादव हैं और उनके जैसे आपने सैम करन है तो उनके एकदम ऑपोजिट आ जाते हैं कैमरन ग्रीन है उनके पास, तो लग नहीं रहा वो बहुत अच्छी टक्कर देगी और शायद ये वाला मैच अपने नाम कर ले इस बार मुंबई इंडियन? नहीं, मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि पंजाब के ऊपर भरोसा है, पंजाब मतलब दिल में आता है मेरे तो। हाँ हाँ। अच्छा क्या लगता है टारगेट क्या रहेगा मोहाली स्टेडियम पंजाब का? मेरे को लगता है 180 तक जाएगा और 200 तक। हाँ, और मुंबई का मेरे को लगता है कि अगर बैटिंग करेगी तो 160-170 रहेगा। और अगर हम पूछें कि सीजन जो है IPL का ये वाला सीजन लग रहा है पंजाब अपने नाम करेगी या आपको किसी और टीम पे ज़्यादा भरोसा है कि? मेरे को लग रहा है राजस्थान सबसे ज़्यादा अभी अच्छा खेल रहे हैं तो राजस्थान के पास जा सकता है, गुजरात के पास भी जा सकता है या CSK के पास। माही के फैन है? हाँ, दोनों ही माही के फैन है या फिर? नहीं, माही के फैन है हम लोग। माही के फैन है, शायद लास्ट सीजन भी हो सकता है उनका, मिस करेंगे? यस, बहुत ज़्यादा। हम लोग सोच रहे कि इस बार वही जीतेंगे क्योंकि उनका रिटायरमेंट भी है CSK। आज जो मैच है वो मुंबई और पंजाब के बीच में होगा, क्या लग रहा है कौन? आज तो पंजाब जीतेगा, पंजाब जीतेगा। मुंबई इतनी वीक थोड़ी है? वीक हो गई टीम क्योंकि उसमें मेन कॉन्फिडेंस प्लेयर था रोहित शर्मा, वो फॉर्म में नहीं है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए उनकी फॉर्म कमी की वजह से टीम लगातार हारते आ रही है, इसकी वजह से हार सकती है मैच। वो फॉर्म में नहीं है, टिम डेविड तो हैं, कैमरन ग्रीन तो हैं और वहाँ पे सूर्य कुमार यादव फॉर्म में कहाँ नहीं है, अभी लास्ट में चल गए। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन तो वही है ना, तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हर बार फ्लॉप हो रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन का क्या, हिम्मत थोड़ा टूट जाता है, इसकी वजह से नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन लास्ट मैच जो है मुंबई इंडियंस का वो जीत गए थे अभी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। पंजाब की अच्छी खासी फॉर्म में चल रही है ना, इसकी वजह से जीत सकता पंजाब, ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या लग रहा है टारगेट क्या जाएगा अगर पंजाब? 180 क्रॉस करेगा शायद। कौन से प्लेयर पे ज्यादा भरोसा है पंजाब की टीम से? कैप्टन शिखर और वही ज्यादातर खास उसका, उस पर पूरी डिपेंड टीम तो उस पर टिकी है, वो फॉर्म है ना उस पर टिकी है शायद। और क्या लग रहा है सीजन कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अब काफी करीब आ चुका है, आधे से ज्यादा मैचेस तो हो चुके हैं। RCB करेगी और क्या, RCB पे लग रहा है इस बार जीतेगी? आज तक तो जीती नहीं, अपने फैंस को निराश किया है उन्होंने RCB टीम ने, लग रहा है वाला जीत जाएगी? आज तक नहीं जीती लेकिन आज जीत जाएगी, इस बार जीत जाएगी, पिछले 14 साल से नहीं जीती ना, तो 14 साल नहीं और 10 साल भी हारेगी ना फिर यही बोलेंगे हम RCB बोलेंगे, लेकिन जीतेगी RCB कोहली विराट कोहली। तो आज पंजाब और मुंबई का मैच होगा शाम को 7:30 बजे, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? मैम बॉम्बे जीतनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, मुंबई जीतेगी। तो पंजाब के घर में मैच होने वाला है उन्हीं के होम ग्राउंड पे, आपको लग रहा है इतनी आसानी से मुंबई जीत जाएगी पंजाब जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ? अब जिस हिसाब का प्रदर्शन कर रहा है बॉम्बे तो मुझे लगता है बॉम्बे हारने वाला नहीं है क्योंकि मैच दर मैच हर मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है बॉम्बे।
पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन पंजाब से भी एक कदम पीछे है। पंजाब 6 पे है तो मुंबई 7 पे है। तो वो उनका लक बाय चांस कह सकते हैं, बट बॉम्बे बहुत स्ट्रांग टीम है और आज उनको ही जीतना चाहिए। आज का मैच वो जीतेंगे आपको लग रहा है। कौन सा ऐसा फेवरेट प्लेयर है मुंबई की टीम से आपका? सूर्य कुमार यादव। हाँ जी। और उसके अलावा? उसके अलावा रोहित शर्मा। दोनों के बीच में जब पंजाब से पहले मुंबई भिड़ी थी लास्ट मैच जो हुआ था, तो अर्शदीप सिंह ने ऐसा कमाल का ओवर खेला था कि विकेट ही तोड़ दिए थे उन्होंने दो बार। तो फिर लग रहा है उतने स्ट्रॉन्ग बॉलर्स के सामने जहाँ पे सैम करन जैसे। मैम डेज की बात है ना, तो वो उस दिन होगा, बट हर डेज एक जैसा नहीं होता ना हर दिन। हाँ। कोई बात नहीं, आज रोहित शर्मा मारेंगे। लास्ट मैच में नहीं चले थे। आपको क्या लगता है कि आपका मतलब कौन सा फेवरेट प्लेयर है इस टीम से? इस टीम में तो अब छांटना मुश्किल है, क्योंकि सारे ही प्लेयर फेवरेट है, सभी अच्छे प्लेयर है। बट ऐसा लगता है कि आज के मैच में जो प्लेयर नहीं चले बॉम्बे के, वो चल सकते हैं। जैसे हो गया ईशान किशन, हो गया ईशान किशन ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिखाई अच्छी। मुझे लगता है आज ईशान किशन मारेगा। ईशान किशन क्या लग रहा है, क्या स्कोर जाएगा मोहाली की पिच पे आज? अगर बॉम्बे की बैटिंग आती है तो 200 प्लस जाएगा जी। अगर बॉम्बे की फील्डिंग आती है तो 170-180। अच्छा, टॉस जीत जाती है अगर मुंबई इंडियंस, क्या चाहेंगे, बॉलिंग पहले करनी या फिर बैटिंग पहले करनी? बैटिंग पहले करनी। अगर अच्छी बैटिंग कर, शुरू में बैटिंग आ जाती है तो ये है कि खुल के प्लेयर खेलता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि बॉम्बे की बैटिंग आनी चाहिए, बॉम्बे की जीत के लिए बैटिंग ही जरूरी है। अच्छा लग रहा है ये वाला सीजन, जैसे अभी तक में IPL की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस ही रही है, ठीक है, लग रहा है ये वाला सीजन भी अपने नाम कर जाएगी और अपनी लय को बरकरार रखेगी? हो सकता है मैम, क्योंकि बॉम्बे एक्चुअली आप रिकॉर्ड देखिए तो स्टार्टिंग में उनका लो ही रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट्स टेबल जो होता है वो एकदम ही बैकअप करते हैं, कमबैक बहुत अच्छा करते हैं, तो क्या पता हो जाए इस बार। आपको क्या लगता है ये वाला सीजन मुंबई अपने नाम करेगी या कोई और टीम? अब की बार जो अगर फाइनल भी होगा तो बॉम्बे चेन्नई के बीच होगा, क्योंकि चेन्नई भी कम नहीं है, पर बॉम्बे मुझे लगता है कि बॉम्बे बाजी मार जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, फैंस को लगता है कि ये वाला मैच भी पंजाब अपने नाम कर लेगी और पंजाब अपने होम ग्राउंड पर मुंबई को हरा देगी। मैच बड़ा टक्कर का है, क्योंकि जहां पॉइंट्स टेबल पे नंबर 6 की टीम पंजाब, वहीं 7th पे आती है मुंबई इंडियंस। लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर मुंबई इंडियंस फॉर्म में आ गई तो वो पंजाब को ज़रूर हरा देगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फैंस का मानना है कि पंजाब ये वाला मैच अपने नाम कर लेगी। क्या होगा क्या नहीं, ये शाम को जब मैच होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा। कैमरामैन गोविंद के साथ राशि दुबे, द न्यूज़ 15 दिल्ली।